एक बार फटाफट जुड़ जाएं भाई। हाँ एक बार फटाफट जुड़ें। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है? अरे सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है? चलो भाई क्लास स्टार्ट कर रहे थे। चलो कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे रोले परमे, और रोले परमे के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे भाई, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका मैं सेकेंड पार्ट करवाने जा रहा हूं, ठीक है भाई। तो देखो रोले परमे के अंदर कल क्या पढ़ा था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने ये पढ़ा था कि सर समवृत्त अंतराल के अंदर संतत होना चाहिए, विवृत अंतराल के अंदर अवकलनीय होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, और एफ डैश सी बराबर जीरो रखने पर सी की वैल्यू जो अंतराल दिया गया है इसके बीच में आना चाहिए। कल हमने रोले परमे के अंतर्गत ये पढ़ा था भाई, पढ़ा था। चलो तो आज हम यदि हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो देखो एफ एक्स है वो एक्स माइनस ए इसकी पावर एम दे रखी है भाई, एक्स माइनस बी इसकी पावर एन दे रखी है, और हमें कहा गया है कि जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, वो एक्स की वैल्यू आएगी ए और बी से। इसने ये भी लिख रखा है कि जो एम एन की वैल्यू है वो एन से आ रही है, एन का मतलब प्राकृत संख्या से है। जो एम और एन की वैल्यू है वो कोई भी प्राकृत संख्या है क्या है ये हमें नहीं दिया गया है। तो देखो फिर से हमें पता है कि हमें चार स्टेप में चलना है। पहली स्टेप हम अवकलनीय की रखेंगे, दूसरी स्टेप हम किसकी रखेंगे भाई, संतत की रखेंगे, तीसरी स्टेप में हम एफ ए बराबर एफ बी लेके आएंगे, और चौथी स्टेप में एफ डैश सी बराबर जीरो रखकर सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, ठीक। नमस्ते भाई अमन शर्मा। देखो तो पहली स्टेप में करने जा रहा हूं, पहली स्टेप में कल भी मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले आप अवकलन करोगे भाई, तो अवकलन करोगे एफ एक्स का। अवकलन आपको पता है कि सर एफ एक्स का अवकलन हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अवकलन इसका भी होता है, अवकलन इसका भी होता है भाई, अवकलन दोनों का होता है। तो एक को u मानना पड़ेगा, तो एक को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा भाई, एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं है। तो एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि x माइनस बी इसकी पावर n, मतलब v को मैंने छोड़ दिया है भाई, जैसा था वैसा मैंने लिख दिया है। मेरे को u का अवकलन करना पड़ेगा, जब आप इसका अवकलन करोगे भाई तो सबसे पहले पावर का होगा फिर अंदर की संख्या का होगा भाई। तो पावर का अवकलन करना भाई, इस पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, और एक पावर क्या कर दो, कम कर दो भाई, इस पावर को आगे लेके आओ, ये लो ये पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दो, ये ब्रैकेट लगाया, एक पावर कम कर दिया, यानी m माइनस वन, एम में से एक घटाओगे तो m माइनस वन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं, जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा भाई, x माइनस ए है तो x माइनस ए, ये तो हुआ है पावर का अवकलन, यानी पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ है भाई।
पावर को आगे ले आओ, ये लो, एक पावर कम कर दी, ये लो, ब्रैकेट में जो था वो मैंने लिख दिया भाई, ये तो हो गया पावर का। अब अंदर की संख्या का भी करोगे, अंदर की संख्या का देखो, x का x की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस, a कांस्टेंट है, अचर है, और अचर का अवकलन करने पर क्या आएगा, 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 यानी 1, बताओ 1 यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, तो इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो, बीच में लगाओगे प्लस, अब मेरे को इसको छोड़ना पड़ेगा, x माइनस ए, इसकी पावर m को मैंने छोड़ दिया है, इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा भाई, इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो पावर को आगे लेके आओ, एक पावर कम कर दो भाई, पावर को आगे लेके आओ यानी n, एक पावर कम कर दो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस बी, इसकी पावर n माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर जो था वही तो लिखोगे भाई, एक पावर हमने कम कर दी। अंदर की संख्या का करोगे तो x का अवकलन 1, फिर माइनस b का अवकलन क्या हो गया, 0, तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये इसका हमने अवकलन कर दिया है, इसका क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां लिखूंगा मैं अंतराल, अंतराल विवृत अंतराल की बात कर रहा हूं, विवृत का मतलब क्या है कि ए बी और छोटा ब्रैकेट, ए बी देखो, ए बी दे रखा है, यहां कोई संख्या नहीं दे रखी है, 1 2 3 4 5, यहां ए बी दे रखा है, ए बी अवकलनीय के अंदर छोटा ब्रैकेट लगेगा, विवृत अंतराल होगा भाई, ए बी में फलन परिभाषित है, फलन कैसा है, परिभाषित है भाई, परिभाषित है, कैसे परिभाषित है, सर आपने कैसे बता दिया कि ये परिभाषित है, मेरे को एक बात बताओ, ए बी के अंदर से कोई भी संख्या उठा लो और इसके अंदर रखोगे तो क्या, मेरे को ये बताओ, क्या अपॉन में कहीं पे जीरो आएगा क्या, अगर अपॉन में जीरो आता है तब वो अपरिभाषित कहलाता है, कहलाता है ना, यहां अपॉन में कुछ है ही नहीं तो अपॉन में जीरो तो आएगा ही नहीं, और अपॉन में जब जीरो नहीं आएगा तो ये अपरिभाषित फलन नहीं है, ये कैसा फलन है, परिभाषित फलन है भाई। तो अंतराल ए बी में फलन परिभाषित है, इसलिए फलन कैसा होगा, इसलिए फलन अवकलनीय है भाई, अवकलनीय, अवकलनीय का मतलब डिफ्रेंशिएबल, यानी जो ये फंक्शन है ये कैसा है, डिफ्रेंशिएबल है, अवकलनीय है भाई, ठीक है। अरे ये अनावश्यक चैट मत करो भाई, मोहित कुमार, छोटू की मस्ती, साहिल, साहिल मेरे भाई और मोहित, अनावश्यक मत करो मेरे भाई, पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो भाई, ठीक है। तो कैसा है ये, डिफ्रेंशिएबल है यानी अवकलनीय है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की भी। नंबर 2 क्या है कि यदि कोई फलन डिफ्रेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो वह फलन कंटिन्यूअस भी होगा यानी संतत भी होगा। ये हम पहले नोट में बता चुके हैं, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह हमेशा संतत भी होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, दिया गया फलन, दिया गया फलन अवकलनीय है, दिया गया फलन अवकलनीय है, इसलिए इसलिए संवृत अंतराल, संवृत अंतराल, संवृत का मतलब जिसमें बड़ा ब्रैकेट आता है भाई, ए और बी दोनों शामिल होते हैं, संवृत अंतराल ए बी में फलन संतत होगा,
संतत का मतलब कॉन्टिन्यूस भाई, संतत होगा, ठीक है? ठीक है भाई, तो अवकलन ये हो गया, उसके बाद संतत भी हो गया। अब नंबर तीन पर चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारी क्या थी कि सर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। टेस्ट करते हैं भाई, थर्ड स्टेप में हमारी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। मेरे को बताओ भाई, एफ ए तो ए की जगह ए लिख रखा है ना, और बी की जगह क्या है, बी है, तो ए की जगह ए लिखो। इसके अंदर लिखना भाई, ए लिखोगे तो ए माइनस ए जीरो, एक्स की जगह क्या लिखोगे, ए, तो ए माइनस ए जीरो, और जीरो की पावर कुछ भी हो उसका मान जीरो। इस जीरो का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एफ ए का मान बताओ कितना आएगा, जीरो आएगा भाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एफ बी, एफ बी यानी जो ये फंक्शन है इसमें एक्स की जगह बी लिख दो, तो b माइनस ए की पावर m हो गया। लेकिन यहां देखना, जब b माइनस बी करोगे तो b माइनस बी हो जाएगा जीरो, और इस जीरो का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, जीरो हो गया भाई। इसका मतलब एफ बी का मान भी क्या आया, जीरो। तो मैं कह सकता हूं कि सर एफ ए इक्वल है किसके, एफ बी के, यानी एफ ए और एफ बी दोनों क्या है, इक्वल है भाई। ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई है। एफ ए का मतलब है फलन के अंदर एक्स की जगह ए लिख दो, एफ बी का मतलब है जो फलन है आपका, फंक्शन है, उसमें एक्स की जगह बी लिख दो, और फंक्शन हमारा यही है भाई, ठीक है? तो ये दोनों बराबर आ गए। अब लास्ट कंडीशन रह गई, कौन सी लास्ट जो स्टेप है हमारी, वो है एफ डैश सी। एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हुआ कि अवकलन के अंदर x की जगह c लिखो और बराबर में जीरो रखो, और इनको सोल्व करने पर c की वैल्यू a व b के बीच में आनी चाहिए भाई, ठीक है? चलो, एफ डैश, डैश का मतलब अवकलन की बात कर रहा है, डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा है। x, x का मतलब c, x का मतलब क्या, C भाई, यहां C है तो X की जगह C तो लिखोगे, इसमें लिख दो तो क्या आ जाएगा, देखो C माइनस बी, C माइनस बी की पावर N, और M और है इसके साथ M, C माइनस A की पावर, C माइनस A की पावर M माइनस वन, ठीक है? फिर प्लस, एक तो है N, उसके बाद c माइनस ए इसकी पावर m, और उसके बाद है x माइनस बी इसकी पावर है n माइनस वन, और इज इक्वल टू जीरो। भाई आपको कुछ नहीं करना, जो आपने अवकलन किया है उसके अंदर x की जगह तो c लिख दो, और बराबर में क्या लिख दो, जीरो। f डैश c इज इक्वल टू जीरो मतलब अवकलन के अंदर x की जगह c रखकर उसके बराबर जीरो रख दो। अब इसको सोल्व करने पर सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में आनी चाहिए भाई, ठीक है? देख लेते हैं भाई बीच में आती है कि नहीं आती है। इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, अब देखना, अब हमें यहां से c की वैल्यू निकालनी है भाई, सॉरी यहां देखो x, x की जगह क्या आएगा, c। चलो अब हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है, क्या करना है, पक्षांतर करना है। देखो यहां हमारे पास है m, c माइनस बी इसकी पावर n, c माइनस a इसकी पावर m माइनस वन। इसको पक्षांतर करके आप दूसरी साइड लेके जाओ, इस पूरे पार्ट को, ये प्लस का है, उधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद है n, c माइनस a
उसकी पावर n, c माइनस बी उसकी पावर n माइनस वन। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें c की वैल्यू निकालनी है भाई। चलो c की वैल्यू निकाल देते हैं। मेरे को एक बात बताना भाई, क्या मैं इसको और इसको काट सकता हूँ? क्या मैं इसको और इसको काट सकता हूँ? बहुत सारों को डाउट है कि सर पता नहीं आप कैसे काट दोगे। कोई बात नहीं मेरे भाई, देखो m अपॉन में ऐसा करो कि जो ये n है ना, इधर देखो इस पार्ट के तो गुणा में है ना n, इस n को मैं इधर भेज दूंगा। बताओ ये डिवाइड के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इधर की बात करें तो एक तो नेगेटिव है, इधर हमारे पास है c माइनस a इसकी पावर m, उसके बाद है c माइनस बी इसकी पावर n माइनस वन। अपॉन में देखना, ये जो m के साथ मल्टीप्लाई में है इसको मैं दूसरी साइड भेज रहा हूँ ताकि अब ये भाग में चला जाए, डिवाइड के अंदर चला जाए। तो क्या आ जाएगा? c माइनस बी इसकी पावर n और c माइनस ए इसकी पावर क्या आ जाएगी? m माइनस वन। किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है भाई। इस n देखो इसके गुणा में है n, तो इसको तो इधर भेज दिया, m के गुणा में ये है इसको मैंने इधर भेज दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मेरे को ओनली c चाहिए भाई, c के साथ कुछ नहीं चाहिए, जो भी है दूसरी साइड मेरे को भेजना है। चलो आगे देखते हैं क्या करते हैं। c माइनस ए की पावर m, c माइनस ए की पावर m माइनस वन, यहाँ एक पावर कम है यहाँ एक पावर ज़्यादा है, तो बताओ इसको मैं जब काटूंगा तो ये कट जाएगा, यहाँ सिर्फ एक पावर ही तो बचेगी भाई। ऊपर पावर थ्री और अपॉन में पावर टू, तो काटोगे तो एक पावर ही तो बचेगी भाई। n माइनस वन यहाँ n, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें एक पावर ज़्यादा है, एक पावर ज़्यादा है तो इसको काटोगे तो यहाँ पर एक पावर बचेगी, ठीक है? यानी हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया m अपॉन n इज इक्वल टू उसके बाद माइनस। ऊपर तो आपके पास आ गया c माइनस a और नीचे आपके पास क्या आ गया? c माइनस b। अभी भी c अकेला नहीं हुआ भाई, c ऊपर भी है c नीचे भी है। और कैलकुलेशन करते हैं, भाग में है ना, इधर लेके आओगे तो ये बताओ इस m से गुणा होगा कि नहीं होगा? और इसको मैं n को इधर भेज दूंगा तो ये n इससे गुणा होगा कि नहीं होगा? यानी मैं कह सकता हूं कि m c माइनस m b इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, m का गुणा c से किया तो m c हो गया भाई, m का गुणा माइनस b से किया तो माइनस m b लिख दो, वो मैंने लिख दिया। इसका गुणा इससे होगा तो बाहर माइनस हो रहे भाई, ठीक है? एन का गुणा माइनस सी से करोगे तो माइनस एन सी, माइनस एन सी। एन का गुणा माइनस इंटू माइनस प्लस ए से करोगे तो प्लस एन ए। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए सर सी। सी को एक तरफ कर लो, जिसमें सी नहीं है दूसरी साइड भेज दो। देखो यहां सिर्फ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई। क्या चैट चल रही है तुम्हारी? आहिर भगोला, ओके हाँ। इसको इधर ले आओ क्योंकि इसके अंदर C है, इसके अंदर C नहीं है दूसरी साइड भेज दो। तो मैं कह सकता हूं कि सर एम सी प्लस एन सी, इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस एन सी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे तो एम बी और प्लस एन ए। इन दोनों के अंदर से आप c कॉमन लोगे तो m प्लस n इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए। तो c इज इक्वल टू क्या आया? एम बी प्लस एन ए अपॉन में ये आ गया भाई। अब हमें डाउट हो रहा है कि सर हमें क्या पता कि जो ये पार्ट आया है सी का मान
ये ए और बी के अंदर से आता है कि नहीं आता ये तो हमें पता ही नहीं, तो क्या करें? तो भाई क्या करना है, हमें कोई ना कोई वैल्यू मान के देख सकते हो। अगर आपको डाउट है, मुझे तो पता है कि ये कहां से आएगा, ए और बी के अंदर से आएगा। क्यों आएगा, इसका कारण भी मैं बता देता हूं। आपने ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा होगा, बाह्य विभाजन अंत विभाजन, कोई फॉर्मूला पढ़ा था? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? अरे ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, बाह्य विभाजन अंत विभाजन। यदि आपके पास कोई रेखाखंड है ए और बी और उसको कहीं से आप काट रहे हो और इनका अनुपात मान लीजिए एम अनुपात एन है, तो आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक बाह्य विभाजन एक अंत विभाजन पढ़ा था ना। महेश यादव कह रहा है नो, मेरे भाई 10th क्लास में है। ए और बी कोई रेखाखंड है, अगर उसको कोई बिंदु बीच में है और इसको काट रहा है, तो ये खंड और ये खंड का अनुपात आपने पढ़ा होगा। तो मेरे को बताओ ए और बी, इसका गुना इससे होगा, इसका गुना इससे होगा, बीच में प्लस अपॉन में एम प्लस एन। अरे यही तो पढ़ा था, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी और इसका विभाजन, विभाजन का मतलब कहीं बीच में से ही तो होगा, और जब बीच में से होगा तो ये विभाजन का सूत्र ही तो है। इसका मतलब जो सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तभी तो अंत विभाजन बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये ए और बी के बीच में से ही आएगा, इसका मतलब सारी कंडीशन लागू हो गई। अवकलनीय हो गया था, संतत हो गया था, एफ ए बराबर एफ बी हो गया था, और लास्ट में क्या है, सी की वैल्यू जो आई है वो ए और बी के बीच में से आई है। क्यों आई है, क्योंकि सी की वैल्यू ये कोई विभाजन दर्शा रहा है, विभाजन तभी तो दर्शाएगा ना, तब इसके बीच में कोई पॉइंट होगा, तभी तो दो भागों में बांटेगा, तो ये विभाजन का बिंदु है। ठीक है, तो एक बार फटाफट बता दो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मैं अगला क्वेश्चन करूं। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक डस्टर और था, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो जो सी पार्ट है ये मोड का आ गया भाई, एफ एक्स, नॉर्मली बता देता हूं मैं एफ एक्स। देखो जो मापांक फलन होते हैं यानी जो मोड के फलन होते हैं वो इसी बिंदु पर, यानी x बराबर 0 लिख सकता हूं ना मैं, इस बिंदु पर ये कभी भी अवकलनीय नहीं होता है। जो मापांक का फलन होता है वो उसके बिंदु पर कभी भी अवकलनीय नहीं होता है, ये हम एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे क्यों नहीं होता है। आप तो सिर्फ इतना याद रखो फिलहाल कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स आ गया, मोड एक्स जो भी अंतराल दे रखा है उसमें अवकलनीय नहीं है, और जब अवकलनीय नहीं है तो आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है भाई, वहीं लिख देंगे कि रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। ठीक है, मापांक फलन है वो कभी भी अवकलनीय नहीं होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन था यही था मोड का, तो ये तो हमें ज्यादा सीखना ही नहीं है। इसका डी पार्ट मैंने करा दिया था भाई, ठीक है, अब मैं एफ पार्ट
एफ पार्ट है महत्तम पूर्णांक फलन, यानी ये फलन की बात कर रहा हूँ मैं, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ये भी अवकलनीय नहीं होता है। मोड का फलन है, ये भी अवकलनीय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक्सरसाइज नंबर 6 में ऐसे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पता लगेगा कि ये अवकलनीय वास्तव में होता है या फिर नहीं होता है। फिलहाल ये भी अवकलनीय नहीं होता, ये भी अवकलनीय नहीं होता भाई, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। सत्यापन का मतलब सिद्ध करना है भाई, क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। तो इसमें से मैं चार पार्ट है, दो पार्ट मैं कर देता हूं, दो पार्ट आप कर लेना। फर्स्ट पार्ट आप आसानी से कर सकते हो, सेकंड पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, मैं कर देता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, माइनस एक्स है भाई, ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और जो इंटरवल दिया गया है, जो अंतराल दिया गया है, वो अंतराल क्या है, अंतराल हमें दिया गया है जीरो से पाई। सत्यापन करना है, देखो सत्यापन करना है, एक तो वो कहेगा कि जांच करनी है, जैसे फर्स्ट सवाल में वो हमसे सिर्फ जांच करवा रहा था कि रोले प्रमेय लागू होती है या नहीं होती है, हमें बताना था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, सत्यापन कीजिए मतलब सिद्ध करके दिखाना है, और जब सिद्ध करना है तो अवकलनीय भी होगा, संतत भी होगा, एफ ए बराबर एफ बी भी होगा, और एफ डैश सी बराबर जीरो रखने पर सी की वैल्यू इस अंतराल के बीच में से आएगी, ठीक है। सारी कंडीशन राइट होनी चाहिए। वनिता कह रही है कि एक नहीं करोगे, बेटा एक तो मैंने करा दिया, और ई बात रही ई की, ई कहाँ है, अच्छा ई रह गया, चलो मैं ई करा रहा हूँ। देखो देखो ई की बात ऐसी है कि वो एक ऐसा फलन दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दो पार्ट दिए गए, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन तो हम एक्सरसाइज नंबर 6 में पढ़ेंगे कि ये अवकलनीय है या संतत नहीं है, इसकी जांच हमें करके दिखानी पड़ेगी। तो ये प्रश्नावली तब हम एक्सरसाइज नंबर 6 करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है भाई, अरे इसके बाद जस्ट मैं एक्सरसाइज नंबर 6 करा दूंगा, उसके अंदर अवकलनीय संतति पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल है और सिंपल सा भी है। सबसे पहले देखो, पहली स्टेप सबको पता है क्या करना है, कि सर सबसे पहले इसका अवकलन कर दो, कर दो भाई अवकलन। एफ एक्स का अवकलन क्या हो गया, एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स, इसका भी अवकलन होता है, अवकलन इसका भी होता है भाई, दोनों के बीच में कहीं पे भी कोई प्लस माइनस नहीं है। इसका मतलब इसको u मानना पड़ेगा, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा भाई। मैंने e की पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, जैसा था वैसा ही लिख दिया भाई, तो साइन एक्स का मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, और साइन एक्स का बताओ क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। फिर बीच में लगाओगे प्लस, अब मेरे को साइन एक्स को छोड़ना पड़ेगा, ई की पावर एक्स का, पहले ई का होगा फिर इसकी पावर का होगा भाई, ई का क्या होता है, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, यानी जैसा है वैसा लिख दो, माइनस एक्स का माइनस एक्स मैंने लिख दिया। फिर माइनस एक्स का करोगे तो देखो माइनस को तो छोड़ना पड़ेगा, ये लो भाई माइनस को छोड़ दिया, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक होगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं,
मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स का अवकलन करने पर माइनस वन आएगा, इसलिए माइनस मैंने बाहर लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमने अवकलन कर दिया है। तो अब बात कर लेते कि भाई इस अंतराल के अंदर ये परिभाषित है या फिर नहीं है। तो विवृत अंतराल, विवृत अंतराल 0π में बताओ फलन परिभाषित होगा कि नहीं होगा। भाई फलन कैसा होगा? परिभाषित होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में से हम कोई भी वैल्यू यदि इसके अंदर रखेंगे तो क्या ये अनंत बनेगा? क्या कभी भी अनंत नहीं बनेगा भाई, क्योंकि साइन के एंगल के अंदर कुछ भी रख दो, माइनस एक से प्लस एक के बीच में कोई नंबर आने वाला है। कुछ भी रख दो माइनस एक से प्लस एक के बीच में, चाहे साइन में रखो और चाहे कोस में रखो, e की पावर में जीरो आ जाए, पाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या इन्फिनिटी होगा? इन्फिनिटी नहीं होगा, अनंत नहीं आएगा, अपॉन में जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये परिभाषित है, अपरिभाषित नहीं है। तो विवृत अंतराल 0π में फलन परिभाषित है। फलन कैसा है? परिभाषित है। और एक बात मैं और बता देता हूं भाई, अगर आपको सत्यापन करना है, सिद्ध करना है, तो भाई ये गलत तो हो ही नहीं सकता। अगर जांच करवाए तब तो आपको देखना है, लेकिन यहां हमसे सत्यापन करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है, और जब हमसे सिद्ध करवा रहा है तो परिभाषित तो होना ही चाहिए भाई। परिभाषित है इसलिए इसलिए फलन कैसा है? इसलिए फलन अवकलनीय है भाई, इसलिए फलन अवकलनीय है। ठीक है, इसलिए फलन अवकलनीय है। नंबर दो, दिया गया फलन अवकलनीय है और अवकलनीय फलन हमेशा संतत होता है, पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहां लिखेंगे दिया गया फलन अवकलनीय है, दिया गया फलन अवकलनीय है, इसलिए संवृत अंतराल, इसलिए संवृत अंतराल 0π, संवृत अंतराल में याद रखना बड़ा ब्रैकेट आता है और विवृत के अंदर कैसा आता है? छोटा ब्रैकेट आता है। 0π में फलन संतत है, फलन कैसा है? संतत है। पहली कंडीशन ठीक है, दूसरी कंडीशन ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या कह रहा था कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए भाई। एफ ए, लो भाई एफ ए आपको पता है ये ए की वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है भाई। एफ ए इज इक्वल टू एफ ए, ए की वैल्यू क्या है? जीरो, यानी जो फंक्शन है उसमें x की जगह जीरो लिख दो भाई, जीरो लिखो तो e की पावर जीरो और साइन जीरो, भाई माइनस जीरो लिखने क्या हो सकता है? नहीं, जीरो हो गया। और साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो होता है भाई। अब बात कर लेते हैं एफ बी की भाई, एफ बी का मान क्या है? पाई, e की पावर माइनस पाई और साइन पाई। आपको पता होगा कैसे आया ये, तो भाई एफ बी और बी की वैल्यू है पाई, मतलब फलन के अंदर एक्स की जगह पाई लिख दो, तो देखो e की पावर माइनस एक्स की जगह पाई लिख दिया, उसके बाद साइन पाई, वहां पे पाई आ गया। आपको पता है कि साइन के अंदर 0π, 2π, 3π, 4π, 5π सब की वैल्यू क्या होती है? जीरो ही होती है। तो साइन पाई की वैल्यू जीरो, जीरो का गुणा इससे किया, ये क्या हो गया? जीरो हो गया। बताओ यहां एफ ए यानी एफ जीरो,
इज इक्वल टू एफ बी यानी एफ पाई, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है भाई? ये दोनों भी बराबर है। लो भाई ये कंडीशन थी, ये भी ठीक हो गई। अब एक कंडीशन बची है लास्ट, वो कंडीशन कौन सी है कि एफ डैश सी बराबर जीरो रखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे, तो सी की जो वैल्यू है वो जीरो और पाई के बीच में से आनी चाहिए, तब तो हम कह देंगे कि जो ये फलन है इस पर रोले परमे लागू होती है और रोले परमे सत्यापन भी हो जाएगी यानी सिद्ध भी हो जाएगी। बनीता पूछ रही है कि स्कूल कब खुलेंगे सर? स्कूल का कोई पता नहीं है अभी तक, अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि कब खुलेंगे। नहीं खुलेंगे तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। मिटा दूं? चलो अब इसकी जो लास्ट है वो देख लेते हैं, इनको मिटा रहा हूं भाई, जो लास्ट कंडीशन है उसको हम देख लेते हैं। लास्ट कंडीशन है f डैश c इज इक्वल टू जीरो। लास्ट कंडीशन क्या है? f डैश c इज इक्वल टू जीरो। लास्ट है f डैश c इज इक्वल टू जीरो। f डैश का मतलब अवकलन, x की जगह c, ये रहा भाई, तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस c cos c साइन c e की पावर माइनस c इज इक्वल टू क्या रखोगे? जीरो। जो आपने अवकलन किया है उसमें x की जगह c लिख के बराबर जीरो लिख दो और इसको कैलकुलेशन करके c की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। तो देखो इन दोनों के अंदर से e की पावर माइनस c आपको कॉमन दिखाई दे रही है भाई, तो यहाँ पे cos c माइनस यहां से साइन c और इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर भेज दो, तो ये तो क्या हो गया भाई, अगर इसको मैं इधर भेजूंगा, और वैसे भी पता है e की पावर माइनस c की वैल्यू जीरो नहीं होती है, इधर भेजोगे तो जीरो आएगी नहीं, इसके बराबर जीरो हो सकता है, मतलब cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां से c की वैल्यू आपको निकालनी है, देखो ऐसा करो इसको पक्षांतर करके इधर भेज दो, आप भेज दिया भाई, उधर भेजोगे तो साइन c हो जाएगा प्लस का, इधर क्या बच जाएगा? cos c, इधर उधर लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर साइन था उसको इधर लिख दिया, इधर कोस था उसको कोस को उधर लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखो हमें सी की वैल्यू निकालने थे, अब आपके पास दो तरीके हैं भाई, कौन से दो तरीके हैं? देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसके गुणा में एक मान लो, क्या मान लो? एक। तो एक क्यों माना मैंने? इसलिए माना कि जो अब ये कोस सी है ना, इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो जब एक गुणा में है और इसको इधर भेजोगे तो ये भाग में आएगा, तो साइन सी अपॉन में कोस सी इज इक्वल टू एक, साइन अपॉन कोस क्या हो गया? टेन सी इज इक्वल टू एक, टेन सी इज इक्वल टू एक की जगह क्या लिख सकता हूं? टेन पाई बाई फोर। अरे टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है कि नहीं होती है भाई? वन होती है। ये दोनों बराबर हैं तो बताओ इनका एंगल सी की वैल्यू क्या आई? सी की वैल्यू है पाई बाई फोर, सी इज इक्वल टू पाई बाई फोर। पाई बाई फोर का मतलब है 45 डिग्री, इसका मतलब है जीरो और पाई का मतलब है 180 डिग्री। बताओ जीरो से 180 डिग्री के बीच में 45 डिग्री कहीं ना कहीं आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब ये जीरो और पाई के बीच में से आता है, ये कंडीशन भी लागू हो गई, ठीक है, ये कंडीशन भी सही है। तो अवकलन ये भी हो गया, संतत भी हो गया, एफ बराबर एफ भी हो गया और सी की वैल्यू इन दोनों के बीच से भी आ गई, ठीक है, सारी कंडीशन लागू हो गई, तो इसलिए रोले परमे इस पर लागू होती है, ये हमने सत्यापित कर दिया भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है, और फिर भी ज़्यादा डाउट रह जाए तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका सी पार्ट करा देता हूं, सी पार्ट देख लो। एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स वन माइनस एक्स इसका अंडर रूट, ठीक है भाई। और हमें 0 से 1 यानी x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के अंदर। चलो स्टार्ट करें। देखो भाई हमें फिर से रोले प्रमेय सत्यापित करनी है भाई, सिद्ध करनी है, मतलब सारी कंडीशन टोटली कंडीशन सही होनी चाहिए, गलत एक भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। चलो भाई चेक कर लेते हैं सही है या फिर गलत है। एफ एक्स ये दिया गया है तो ऐसा कर दो कि मैं इस एफ एक्स को ऐसे लिख दूं तो भाई गलत तो नहीं हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट और जो अंदर है ना इनका मैं गुणा करके लिख देता हूं। गुणा करके लिखने से क्या फायदा होगा ये भी मैं अभी बताऊंगा। इसका गुणा इससे करोगे तो एक्स, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। पहली कंडीशन के अंदर हम अवकलन करेंगे, क्या करेंगे अवकलन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है भाई, अवकलन करते हैं। एफ एक्स का अवकलन आपको पता है कि एफ डैश एक्स हो गया भाई, क्या हो गया एफ डैश एक्स। पहले अंडर रूट का होगा भाई, पहले किसका होगा अंडर रूट का। अंडर रूट का देखो भाई 1/2, अंडर रूट का पहले भी मैं बता चुका हूं 1/2, जैसा है आप तो वैसा लिख दो, यानी x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो 1/2 और जैसा है वैसा मैंने लिख दिया है, ये तो हो गया इस अंडर रूट का। अब ब्रैकेट की जो अंडर रूट के अंदर की संख्या है x का हो गया 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। मैंने इसलिए इन दोनों का गुणा किया। अगर इन दोनों का मैं गुणा करके ऐसा नहीं लिखता तो एक को u मानना पड़ता मेरे को और एक को क्या मानना पड़ता v मानना पड़ता, यहां मेरे को कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब ऐसा मत कर देना है कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, नहीं भाई इसके साथ 1 और आ गया है, 1 - 2x ये ऊपर है, ठीक है। अब मेरे को बताओ 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या उठाओगे आप, कोई भी x, y, z, अगर कोई संख्या है और उसी का स्क्वायर करोगे और फिर उनको घटाओगे, क्या करोगे घटाओगे, तो फिर उसकी वैल्यू कैसी आएगी भाई। यहां डाउट हो गया है कि सर 0 से 1 के बीच में यदि कोई संख्या आप रखोगे, जैसे मैं आपको अभी समझा देता हूं, मान लीजिए आपके पास x माइनस एक्स स्क्वायर है, 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या उठा लो आप, अपनी मर्जी से कोई एक संख्या उठाओ। मैंने अपनी मर्जी से 0 और 1 के बीच में हाफ होता है, आधा होता है, 1/2 होता है, वही चेक कर लेता हूं। चलो भाई एक बात और याद रखनी है,
कि ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या भी नहीं बचनी चाहिए भाई। अगर माइनस की संख्या बच गई तो इसका मतलब वो तो काल्पनिक संख्या हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाली, तो फिर भी नहीं होगा ये, तो फिर तो ये अपरिभाषित तो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, और जब 1/4 करोगे, जब इनका एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 माइनस 1/4, तो 1/4 यानी 1/2। देखो यहाँ 2 आया, 2 माइनस 1, इनको सोल्व किया तो फिर से 1/2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई? 4 इनका एलसीएम आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1/4 का अंडर रूट 1/2 आ गया। तो इसका मतलब प्लस की संख्या आ रही है ना, कोई भी देखो कोई नंबर तो आएगा नहीं, अपॉन की संख्या आएंगी 0 और 1 के बीच में, तो कोई भी संख्या लोगे आप तो इसके अंदर रखने पर वो हमेशा प्लस की आएगी और ना कभी 0 आएगी। ऐसा भी नहीं होगा कि कभी 0 आ जाएगी, हमेशा प्लस की आएगी और नीचे 0 भी नहीं आएगी। और जब ऐसा होता है तो फिर क्या होगा भाई? वो परिभाषित होगा। कैसा होगा? परिभाषित फलन होगा। और आपको इतने सोचना भी नहीं है, कब नहीं सोचना है? तब रोले पर में आपसे सिद्ध करवाए, तब तो सोचना ही नहीं है। डायरेक्ट लिख रहा है कि विवृत अंतराल 0,1 में फलन अवकलनीय होगा। 0,1 में फलन कैसा होगा? अवकलनीय होगा। 0,1 में फलन अवकलनीय होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप सबको पता है, क्या लिखनी है भाई? क्या लिखोगे? 0,1 में फलन अवकलनीय होगा। दिया गया फलन अवकलनीय है। दिया गया फलन अवकलनीय है, इसलिए संवृत अंतराल 0,1 में फलन कैसा होगा? 0,1 में फलन संतत होगा, ठीक है। यहां ले भाई, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन नहीं आते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर शाम को रिपीट क्लास तो भेज ही देते हैं तो हम शाम को पढ़ लें। अब आगे से मैं ऐसा करूँगा कि जो रिपीट क्लास है वो एक वीक बाद में भेजा करूँगा, सही रहेगा ना? चलो अच्छा, थर्ड स्टेप हमारी क्या है? थर्ड स्टेप है कि सर FA इज इक्वल टू FB होना चाहिए, यानी FA बराबर FB होना चाहिए, सर ये कैसे करें? चलो भाई अभी कर देते हैं। FA ये लो भाई, FA इज इक्वल टू F, A की वैल्यू क्या है? देखो ये तो है A की वैल्यू भाई, और ये किसकी वैल्यू है? B की वैल्यू है। तो F0 मतलब जो ये फलन है हमारा, इसके अंदर x की जगह 0 लिख दो भाई, तो 0 का गुणा 0 यानी ये कंप्लीट 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 0। एफ बी, और b की वैल्यू क्या है? 1, यानी f1। एफ ए की वैल्यू 0
उसके बाद एफ बी, बी की जगह हमें लिखना पड़ेगा एक, और यहाँ एक्स की जगह एक लिखना भाई, एक माइनस एक्स की जगह एक लिखोगे तो एक माइनस एक क्या हो गया, जीरो, और जब ये जीरो तो ये कंप्लीट क्या हो गया, कंप्लीट भी हो गया जीरो। ये लो भाई हो गया जीरो। ये जीरो, ये जीरो, इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए यानी एफ जीरो इज इक्वल टू एफ बी, एफ बी यानी क्या हो गया वन, ये दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। तो हमारी थर्ड कंडीशन है ये भी कंप्लीट हो गई भाई, ये भी सही हो गई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब तो सिर्फ एक ही बचा है कि जो c की वैल्यू है वो जीरो और एक के कहीं ना कहीं बीच में आनी चाहिए भाई, तो चलो उसको भी देख लेते हैं भाई कि बीच में आती है कि नहीं आती है। देख ये भी देखो भाई, जो हमारी लास्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। एफ डैश यानी अवकलन, सी यानी एक्स की जगह सी लिखना है, बराबर जीरो रखोगे, कैलकुलेशन करोगे सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में, हटा दिया भाई, जीरो और एक इसके बीच में आना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई, यही तो है, इसमें जहां पे भी आपको एक्स दिखाई दे उसकी जगह सी लिख दो भाई, तो क्या आ जाएगा देखना भाई, वन माइनस में टू सी, वन माइनस टू सी अपॉन में, चलो अपॉन में है टू, ये लो भाई टू अंडर रूट, यहां क्या लिखोगे सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान देना भाग में है ना, उधर भेज दो, ये भाग में है, जैसे आप इसको इधर भेजोगे तो ये जीरो से टकराएगा भाई, और जैसे ये जीरो से टकराएगा तो ये इसको क्या कर देगा, अपना जैसा बना देगा, यानी जीरो बना देगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 1 माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मल्टीप्लाई जैसे ही जीरो से होगा तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, वो जीरो मैंने यहां लिख दिया है, पक्षांतर करना है, इसको इधर लेके जाओ तो ये हो गया 2c इज इक्वल टू क्या बच गया 1 बच गया, तो c इज इक्वल टू क्या आया, c इज इक्वल टू आया 1 बाई टू। बताओ जो 1 बाई टू है ये इनके बीच में से आता है कि नहीं आता है, जीरो और एक के बीच में से आता है भाई, ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल बीच में आना चाहिए, मतलब जीरो और बीच में कहीं पे भी हो सकता है, जैसे ये हमारी लाइन होती है तो यहाँ मान लीजिए जीरो है यहाँ वन है, तो इनके बीच में कहीं से भी कोई भी वैल्यू आए, यहाँ पे भी आ सकती है, कहीं पे भी आओ, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट बीच की संख्या आनी चाहिए, नहीं, कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो ये एक बटे दो कहाँ से बिलोंग करता है, ये करता है जीरो से वन के अंदर, तो ये कंडीशन भी सत्य हो गई भाई, तो सारी कंडीशन सत्य हो गई भाई, कि जो दिया गया फलन था वो अवकलनीय भी हो गया, उसके बाद हमने देखा कि संतत भी है, उसके बाद हमने देख लिया कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है, उसके बाद हमने देखा कि एफ डैश सी बराबर जीरो रखें तो जैसे ही हम इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या आई, एक बट्टे दो आई, ठीक है, और ये कहाँ से, जीरो से एक के बीच में, तो ये कंडीशन भी लागू हो गई। तो हमारी जो रोले थ्योरम थी वो रोले थ्योरम अब कंप्लीट हो गई है भाई। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे लैग्रांज मध्यमान प्रमेय।
ये इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, लांगराज मध्यमान प्रमेय। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये देखेंगे इसमें होता क्या है, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। कल तो संडे है, वैसे छुट्टी रहेगी मंडे से। और कल एक बात का विशेष ध्यान रखना भाई, कल मैं गूगल मीट पर एक बार लाइव आऊँगा, ठीक है? तो सभी मिलेंगे वहाँ, सिर्फ बातें करेंगे हम कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, यूट्यूब कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, वो हम 10 से 15 मिनट सारे जो स्टूडेंट है वो जुड़ेंगे और हम चैट करेंगे भाई, ठीक है? तुम सारे एग्री हो कि नहीं हो? कल हम एक क्लास की तरह बात करने वाले हैं कि किसकी क्या समस्या है, किसको क्या समझ में नहीं आया, और कोई डाउट है तो वो भी बता सकता है कि सर इसमें कैसा ऐसा आ जाए तो ऐसा कैसे करें, ठीक है भाई? तो वो हम कल करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम मंडे को मिलेंगे और ठीक 9:05 पर, पहले से ही मैं लिंक भेज दूंगा, ये लिंक रहेगा, ठीक है? तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।